अब तक टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और कल हमने गाना भी लॉन्च किया, हमारा पहला गाना उड़ी जो मेरा फेवरेट गाना है फिल्म का, इट्स अ लव सॉन्ग। वो फिल्म में, देखिए फिल्म में गाने नहीं है लेकिन गाना हमने लॉन्च किया प्रमोशन के लिए, तो अभी तक टचवुड इट्स बिन फैंटास्टिक और मैं आज बहुत एंग्शियस हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट इट फील्स टू लाइक दिस प्रॉब्ली डेब्यू और व्हाटएवर आफ्टर वेरी लॉन्ग। हाँ हाँ, मैं आज मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं कि अगर मैं मैं जितनी बातें करती हूँ, टुडे आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। सो आज मैं इतना ज़्यादा महसूस कर रही हूँ एंड टुडे आई एक्चुअली फील कि आज मेरी फैमिली मेरे साथ में है, आई फील सो ब्लेस्ड। आई एम मिसिंग माई फादर बट आई एम फीलिंग सो गुड और इतना अप्रिसिएशन फिल्म को अब तक मिला है। आज हमारी इंडिया में दूसरी स्क्रीनिंग है, पहले हमारी देहरादून जागरण फिल्म फेस्ट में हुई थी, आज मामी की स्क्रीनिंग है, तो अब तो शुरुआत हुई है, तो अच्छी शुरुआत हुई है। एंड देखिए मेरे हाथ में जितना था मेहनत करना, जितना मैं अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी जान लगा के मैंने मेहनत कर दी है, अब मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। की तरफ से कोई आपको मिला है क्या? देखिए मेरे परिवार की मैं एक स्क्रीनिंग रखूंगी जिसमें मेरा पूरा परिवार आएगा और आप सबको उसमें मैं बिल्कुल बुलाऊंगी, तो कृष्णा जी के खुद के मुँह से आप मेरी तारीफ सुनिएगा और उसको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं तो मेरे हाथ में है बहुत मेहनत करना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और फिर जितना मुझे छोटे पर्दे पर प्यार मिला मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने पूरी मेहनत की और अपने दर्शकों के सामने अपना काम रख दिया। इस वक्त भी मैंने पूरी मेहनत की और अपने दर्शकों के सामने काम रख दूँगी और मेरे दर्शकों के ऊपर है कि उन्हें कितना मेरा काम पसंद आएगा और कितना वो प्यार देना चाहेंगे। हाँ, अब तक जितना रिस्पॉन्स मिला है वो यही कहते हैं कि हमें बहुत, कितने लोग कहते हैं कि हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम अलग अलग तरीके का काम करती हो, एटलीस्ट तुम कोशिश करती हो, तो मुझे इसी बात में सक्सेसफुल फील होता है कि लोग मेरी कोशिश को नोटिस कर रहे हैं और लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरी जर्नी को। क्योंकि कितनी बार होता है ना कि आप कुछ कहते हैं और फिर लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये अपने बलबूते पे आगे बढ़ी है, इसने खुद से किया। सो आपको लगता है कि एक अपनेपन की फीलिंग आ जाती है और अगर आपको अपनापन मिल गया है तो और क्या चाहिए, वो तो प्यार ही है ना। अब टेलीविजन पे मैं सबके घरों का हिस्सा बन गई तो उससे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मुझे क्या मिल सकती है। जी मैंने परसों उनसे बात की जब मैं देहरादून गई थी जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं तेरा पोस्टर देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बट तेरी शक्ल को क्यों ऐसे कर दिया है। मैंने बोला चिची मामा ये तो कॉन्सेप्ट है फिल्म का, लेकिन हाँ बट तेरे लिए मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। ये उनका प्यार है और मैंने कहा हाँ लेकिन मैं आपको फिल्म दिखाना चाहती हूँ, तो उनके लिए उनकी एक डेट फिक्स की है मैंने स्क्रीनिंग की जब उनके पास वक्त है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने सुना है तुमने काम बहुत अच्छा किया है, अब तो मुझे और डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि तुमने, मैंने सुना है काम बड़ा अच्छा किया। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लव्ड एंड आई एम एक्सटैटिक, आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। इनफैक्ट मैं अभी खुशी से रोने लगूंगी, ट्रस्ट मी आज मैं रोने वाली हूँ। मैं गाड़ी में आ रही थी ना, मेरे आंसू डल 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 भर रहे थे, आई एम गोना क्राई टुडे। आप बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, क्या रीजन था कि आप? सर मैं बड़े दिनों बाद इसीलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मैं इन दो फिल्मों पर काम कर रही थी, एक पंजाबी फिल्म की और एक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, तो अब ये गुड़गांव रिलीज़ हो रही है, तो इस कारणवश मैं छोटे पर्दे पर नहीं आ पाई। अब मेरी फिल्म आ गई है, अब मैं अपने दर्शकों से दरख्वास्त करूँगी प्लीज़ जाके मेरी फिल्म देखें आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, 4 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप सभी का प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। जी जी
क्या रागिनी का सफर भी ऐसा रहेगा क्या रागिनी या रागिनी टीवी और बॉलीवुड दोनों से होगी? मैं टेलीविजन तो नहीं छोड़ूंगी क्योंकि टेलीविजन मेरा पहला प्यार है। मैं जो भी हूँ टेलीविजन की बदौलत हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैं टेलीविजन से ज़रूर ज़रूर जुड़ी रहना चाहूँगी। हाँ, मैं डेली सोप शायद ना कर पाऊँ क्योंकि 30 दिन हैं और 2-3 साल में शायद एक शो को ना दे पाऊँ, लेकिन कोई ना कोई तरीका ज़रूर मैं ढूंढूंगी अपने टीवी के साथ जुड़े रहने का। टीवी पहला प्यार है, आप पहले प्यार को कभी नहीं भूलते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यार पूछ रहे बाइट्स नहीं करना और वे एक्टर के सामने आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसे करेंगे? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और आई थिंक यूजुअली जब आपने अच्छी फिल्म बनाई होती है तो फिर आपको गर्व होता है प्रमोट करने के दौरान और फील्स रियली नाइस एंड आई एम सो हैप्पी कि प्रोड्यूसर्स लाइक जार आर मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस जहाँ मुझे जैसे एक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लोग आज प्रीमियर है, हमारी इंडस्ट्री के लोग कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको कैसे लगती है फिल्म, आई एम कॉन्फिडेंट दे विल लाइक इट। यार हमारे आई थिंक द ट्रेलर हैज बीन रियली वेल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये मेरी 5वीं रिलीज है, मैंने लाल रंग, फितूर, पिज्जा इसी लाइन में मैंने काफ़ी फिल्में की हुई हैं, दर्शकों ने देखी नहीं देखी पता नहीं, बट आई हैव नेवर गॉट अ रिस्पॉन्स दैट इज दैट यूनानिमस फॉर माई ट्रेलर एंड द मार्केटिंग फॉर एनी फिल्म अप अंटिल दिस वन। आर यू नर्वस बिकॉज़ द फिल्म इज रिलेटेड विद शाहरुख फिल्म? नो, व्हाई वुड आई बी नर्वस? शाहरुख खान इज शाहरुख खान, वो बहुत दिग्गज कलाकार है, हमारी तो शुरुआत है, ये मुकाबला ही नहीं है। मतलब मुकाबला तब होता है व्हेन देयर आर टू इक्वल्स, दीस आर नॉट टू इक्वल्स, देयर हैज इम्तियाज अली, देयर हैज शाहरुख खान, देयर हैज अनुष्का शर्मा, दिस हैज अक्षय ओबेरॉय, रागिनी खन्ना, शंकर रमन, स्टिल वी मेड अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड देयर इज रूम फॉर एवरीवन टुडे, या नथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। I'm just holding you, ma'am. Hey, bhai. Mera bhi pakad le yaar. Mera to nahi. Bhai, mera
बेटा खुद का ही चाह रहे बनना शुरू हुआ था तब मुझे पता चला था क्योंकि जो डायरेक्टर है शंकर रमन वो मेरे सीनियर FTI से मैं जानती हूँ उनको बहुत अच्छे से बहुत सारे दोस्त थे इसमें आशीष वर्मा अक्षय सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड जो स्क्रिप्ट थे उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता था तो बहुत एक्साइटेड थी मैं ये फिल्म मैं प्रे कर रही थी होप कर रही थी जल्दी से बने और एक अच्छा रिलीज मिले और वो हो रहा है आज तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर माई फ्रेंड ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लगा मुझे मुझे वो वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया था वो मुझे बहुत इंट्रीग हुआ उससे क्योंकि कुछ हो रहा है पर ज़्यादा पता नहीं चल रहा है क्या एग्जैक्टली हुआ है मामला पर बहुत ऐसे एक ग्रिपिंग एक वर्ल्ड क्रिएट किया इन लोगों ने और पंकज त्रिपाठी जो है वो मुझे बहुत ही कमाल के परफॉर्मर लगते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो सब कुछ कॉमेडी तो करती है इसमें हम कुछ और देखेंगे उनको करते हुए तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैम आसाम और राजस्थान और गुजरात में काफ़ी बाढ़ आया तो कुछ आप अपील करना ऑलवेज डोनेशन को कुछ अपील कर सकते हैं स्टेट के लिए आपके फैंस के लिए आप मुझे लगता है मैंने खुद लास्ट वीक थोड़े से जितना हो सकता है थोड़ा सा भेजा है आसाम फ्लड्स के लिए और मुझे लगता है डोनेशन से भी ज़्यादा कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए हर साल आसाम में फ्लड्स आते हैं और हज़ारों मरे जाते हैं कुछ नहीं होता है और ये आने वाला है ग्लोबल वार्मिंग जैसे चल रहा है तो ये बहुत संगीन एक हालत है लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है कहाँ जाएंगे लोग उनका जब घर बार सब बिखर जाता है तो हाँ आई थिंक द गवर्नमेंट रियली शुड डू समथिंग यू नो एंड कीप सेइंग इट एंड नथिंग रियली हैपेंस तो कुछ तो होना ही चाहिए हाउ डू मेक योर फिल्म्स लाइक गुड़गांव आर वॉच्ड बाय अ वाइडर ऑडियंस दैट द डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव टू रियली टेक इट ऑन देम एंड मेक श्योर दैट दे गेट गुड स्क्रीन्स अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स अच्छे टाइमिंग मतलब ऐसे पौने नौ का टाइमिंग नहीं सुबह के पर अच्छे दोपहर को शाम का रात का अच्छे स्क्रीन्स मिले और जितना लोग देखेंगे वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसा हो गया जैसे लिपस्टिक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है तो आई थिंक व्हेन पीपल लाइक द फिल्म वो वर्ड ऑफ माउथ से वो बढ़ता जाता है सो आई एम ऑल्सो होपिंग गुड़गांव के साथ भी ऐसा कुछ हो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक राइट साइड में सेकंड कैमरा सर राइट में सर राइट में या सर सामने चार लोगों का फोटो मैम थर्ड कैमरा मैम राइट साइड थर्ड कैमरा यार डाउन 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 एक्सक्यूज मी मैम सामने एकदम सामने मैम राइट साइड में थोड़ा मैम यू एक्सक्यूज मी
सर वन मोर ईयर सर स्ट्रेट सर लेफ्ट आपके सर लेफ्ट साइड सर सामने सर सर तीन के बाजू शंकर के सामने देखिए हाँ सर सामने एकदम आपके सर डरा हुआ हूँ कि जैसे मुझे ट्रेलर में पसंद कर रहे हैं वैसे ही मुझे फिल्म में पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि फिल्म की सच्चाई तो अब खुलेगी। ये योगी हैं, हमारे टीचर हैं और इसमें बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं इस फिल्म में। तो वही है कि थोड़ी नर्वस है, डरे हैं कि जो प्रोमो ने उम्मीदें बढ़ा दी है तो उस उम्मीद पर हम खड़े उतर पाते हैं कि नहीं फिल्म में, तो उसका थोड़ा डर है, थोड़ी नर्वसनेस है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी, क्योंकि वो बच्ची बनी है और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो वैसे भी मुझे बच्चियों से ज़्यादा लगाव है, तो बहुत अच्छा वो दिखेगा फिल्म में बाप बेटी की केमिस्ट्री। तो रागिनी नर्वस थी थोड़ा, बिकॉज वो यहाँ पे बोल के गई मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अभी भी और पहले भी थी, तो क्या थोड़ा सेट पे नर्वस नज़र आई? हाँ नहीं, सेट पे नहीं, प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, बहुत सारे टीवी शो में काम की है वो, तो उनको हमसे ज़्यादा कैमरा देखने की आदत है, तो मुझे नहीं लगता वो शूटिंग में नर्वस रही होंगी, अगर होंगी तो हमें नहीं मालूम चला। सर अगर बात करें तो फिल्म जब हैरी मेट सेजल के साथ रिलीज हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस में कैसा, क्योंकि जो मुन्ना माइकल में तो आपके किरदार को भी काफ़ी सराहा गया है, जो भाईगिरी का किरदार है, तो इस किरदार के बारे में मैं चाहता हूँ मुन्ना माइकल हैरी मेट सेजल इतनी चले, इतनी हाउसफुल हो जाए कि बची हुई ऑडियंस हमारे में आ जाए, तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, वो अलग सिनेमा है, अलग किस्म का सिनेमा है, हमारा अलग सिनेमा है, तो लड़ाई क्यों, कोई लड़ाई नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, गुड़गांव का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंट्रीगिंग है पिक्चर, मतलब किस चीज़ के बारे में मुझे तो पता समझ में नहीं आया मेरे को, लेकिन फिर भी इट्स लुकिंग लवली। आई थिंक ऑल द एक्टर्स अक्षय एंड रागिनी एंड आशीष एंड पंकज जी आर आउटस्टैंडिंग, दे लुकिंग वेरी गुड। कभी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो कहा गया था।
थैंक यू। कार्तिक सामने है एकदम, कार्तिक सामने, हाँ बस परफेक्ट, कार्तिक नीचे नीचे, कार्तिक यहाँ पे, जी मैंने ट्रेलर देखा और मुझे बहुत पसंद आया। इट्स एन अमेजिंग क्या बोलते हैं, ये फिल्म में परफॉर्मेंसेज मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी होने वाली हैं। इसके ट्रेलर में काफ़ी इनसाइट दिखाता है इस फिल्म के बारे में, तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ द फिल्म एंड होपफुली फिल्म देखते वक्त उतना एक्साइटमेंट रहेगा मेरे को भी। गेस्ट इन लंदन हमने आपकी देखी, लोगों ने बहुत ही पसंद की, खास जी आपकी और जी आपकी एक्टिंग को पर्टिकुलरली बहुत ही एपिक। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम क्या धमाका करते हुए देखेंगे, अमेरिका दुबई? अमेरिका दुबई कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका हाल ही में टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जो है प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लव रंजन जी, उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ। टी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रही है फिल्म, उसका नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी। ये रिलीज़ हो रही है नवंबर में, तो उसी का शूटिंग अभी बिजी, अभी मैं यूरोप से वापस आया हूँ वही शूट करके, तो हाँ उसके लिए मैं यूरोप गया था, आप सही बोल रहे थे। एंड तो हाँ वो मेरी फिल्म है, अगली फिल्म है जो रिलीज़ होगी इसी साल में। जी अभी तक मैं मतलब दूसरी फिल्म जब कोई भी साइन करूँगा तो मैं उसके बारे में खुद बताऊँगा, फ़िलहाल के लिए अभी जो भी डिस्कशंस किसी फिल्मों के हो रहे हैं वो अभी सही नहीं लगेगा कि मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँ। मतलब यही प्रोजेक्ट होगा ना, चोर निकल के भागा? सोनू के टिटू की स्वीटी अभी होगा जो मेरा अगली फिल्म है जो रिलीज़ होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो वे लेफ्ट साइड, यो यो सर, सर आप राइट वे लेफ्ट साइड से डाउन डाउन राइट राइट सर, जस्ट लेफ्ट साइड यो वरुण एक सोलो आप करीब का सोलो राइट वरुण सर, सर फोटो ले लो, वरुण लेफ्ट साइड यो लेफ्ट साइड यो वरुण या राइट होल्ड होल्ड वरुण सामने, वरुण सामने एकदम, वरुण सामने, वन मोर ईयर वरुण या राइट वरुण, थैंक यू बाय। राजकुमार, राजकुमार लेफ्ट, राजकुमार वही ड्रेस सर सामने सर, डाउन डाउन डाउन, राजकुमार लेफ्ट सर आपके राइट, राजकुमार लेफ्ट साइड ये ये, राजकुमार सामने राइट साइड में आपके, लेफ्ट साइड राजकुमार सर, राइट में देखा नहीं सर, यहाँ पे